माँ को अगर बोला जाएगा संतान का भविष्य लिखने के लिए तो कोई भी संतान को दुख दर्द नहीं मिलेगा। माँ लिखेगा ही नहीं ऐसा चीज, क्योंकि माँ हमेशा बहुत प्यार करते हैं हम लोगों से, संतान से। तो ऐसे ही हम लोग तो भगवान का संतान है, तो हम लोगों को जो दुख दर्द मिलता है भगवान यही चाहते हैं कि वो दुख दर्द से कुछ सीखे, कुछ हम लोग नया कुछ करे, सोचे, अच्छा कुछ करे। जब हम लोगों को दुख दर्द मिलता है तो हम लोग ऐसा तरीके से नहीं सोचते कि भगवान चाहता है हम लोग अच्छा कुछ करें। तो प्रॉब्लम यहाँ पे होता है, हम लोग पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं रखते नेगेटिव सिचुएशन में, और नेगेटिव सिचुएशन ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है अपने अपना जिंदगी में। तो ऐसे ही स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट माँ जैसे होता है, और जो लॉस है वो लॉस भगवान जैसे होता है। उसको ऐसे ही ट्रीट किया जा सकता है, उसको ऐसे ही ट्रीट करना है। लॉस हम लोगों को क्या सिखाने जा रहा है, क्या बोलने चाह रहा है, वो समझना बहुत जरूरी है। और आप देखोगे जो प्रोफेशनल ट्रेडर है या सक्सेसफुल ट्रेडर है, वो लोग लॉस के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, ज़्यादा एनालिसिस करते हैं कि लॉस क्यों हो रहा है, प्रॉब्लम कहाँ पे हो रहा है। और कॉमन ट्रेडर्स को कुछ प्रॉफिट मिलता है तो वो प्रॉफिट को लेके बहुत हल्ला मचाता है और सोचता ही नहीं, और जब लॉस होता है तब वो लोग चुपचाप बैठ जाता है। जहाँ पे एनालिसिस करना बहुत जरूरी है वो काम कॉमन ट्रेडर्स नहीं करते, तो प्रॉब्लम यहाँ पे होता है। इसके लिए कॉमन ट्रेडर्स कॉमन ही रह जाता है, सक्सेसफुल नहीं हो पाते। तो स्टॉक मार्केट में कोई भी ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो, उन लोगों का मेन काम लॉस ऑप्टिमाइज करना रहता है। तो उस पे ज़्यादा फोकस करो तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। और प्रॉफिट देना, रिवार्ड देना, ये स्टॉक मार्केट का काम है। तो स्टॉक मार्केट का काम लेके वो ज़्यादा मत सोचो, खुद का काम के बारे में ज़्यादा सोचो, लॉस को एनालिसिस करना सीखो। ओके, थंबनेल पे जैसे दिखा कि डाउन ट्रेंड में कैसे सक्सेसफुली ट्रेडिंग किया जा सकता है और बहुत पैसा कमा सकते हो, वही चीज़ के ऊपर ये वीडियो बनने वाला है। तो यहाँ पे देख पा रहे हो, मैंने बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट लिया और ये एक डाउन ट्रेंड चल रहा है। कहाँ पे ट्रेडिंग लेना सबसे बेस्ट है वो अभी उस पर मैं चर्चा करने वाला हूँ। तो देखो ये एक डाउन ट्रेंड चला, उसके बाद उसका रिट्रेसमेंट हो रहा है। तो ये रिट्रेसमेंट में हम लोगों को ज़्यादा फोकस करना चाहिए। जब इसका ट्रेंड रिवर्सल हम लोगों को समझ में आ जाएगा, इंडिकेशन मिल जाएगा, तब हम लोग सेलिंग साइड पे जाएंगे, क्योंकि पीछे एक बियरिश मूवमेंट का सपोर्ट है। ओके, तो यहाँ पे कैसे समझ में आ जाएगा, कौन सा ऐसा कैंडलस्टिक हम लोगों को बता देगा, इंडिकेट करेगा, वो समझना बहुत जरूरी है। और इसको समझने में पुल बैक और स्केलिंग बहुत सहायता करता है। तो पुल बैक और स्केलिंग फंडामेंटल जो मैंने खुद डेवलप किया वो आपको किधर भी नहीं दिखा होगा और सुना होगा। और ये फंडामेंटल अगर आप सीख लोगे ठीक से, प्राइस एक्शन को विजुअलाइज करना सीख जाओगे, तो आप जिंदगी में बहुत पैसा कमा सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। क्योंकि कोई भी लैगिंग इंडिकेटर तो बाद में इंडिकेट करता है बाइंग और सेलिंग का, जहाँ पे ऑलरेडी कुछ मूवमेंट हो जाता है उसके बाद इंडिकेट करता है। और वहाँ पे अगर आप ट्रेडिंग करोगे तो आपको रिस्क ज़्यादा रखना पड़ेगा और कॉम्पिटिटिवली रिवॉर्ड कम मिलता है, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत कम मिलता है। और मैंने जो मेथड डेवलप किया यहाँ पे आपको हाई रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलेगा। और ये मेथड अप्लाई करके आप ग्रीड और फियर के चक्कर में नहीं पड़ोगे, एक मेन बात है। तो आप बिंदास ट्रेडिंग कर सकते हो, आपका दिमाग में कुछ हेडेक नहीं रहेगा। अभी देखो पुल बैक और स्केलिंग करके मैं कैसे समझ पाऊंगा। तो यहाँ पे फोकस करो, ये फर्स्ट एक बुलिश मूवमेंट मिला था, फर्स्ट पुश उसका रिट्रेसमेंट इतना था, तो ये हम लोगों को सेकेंड पुश मिला, तो इसको मैं फर्स्ट पुश नाम दिया और इसको मैंने सेकेंड पुश नाम दिया। अभी देखो ये सेकेंड पुश का अगर 50% आप मार्क करोगे तो ऑलमोस्ट ऐसे लेवल पे 50% हो रहा है। तो देखो ये रेड कैंडल बिलो 50% पे आके क्लोजिंग दिया नीचे यहाँ पे। तो क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्लोजिंग प्राइस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों को ये समझ में आ जाएगा, ये जो बियरिश मूवमेंट चल रहा था इसका रिट्रेसमेंट इतना तक है मैक्सिमम, इसके ऊपर आने का चांस बहुत बहुत कम है। मैक्सिमम 20% चांस रहेगा ये लेवल के ऊपर आने का, और 80% चांस रहेगा कि ये डाउनसाइड मूवमेंट देगा। तो ये कैंडलस्टिक फॉर्मेशन होने के बाद, ये रेड कैंडलस्टिक फॉर्मेशन होने के बाद आपका व्यू बियरिश होना चाहिए। ओके, क्योंकि पीछे एक बियरिश सपोर्ट है। तो यहाँ पे जिधर मिले आप सेल करोगे और स्टॉप लॉस इसके ऊपर रखोगे। ओके, और मेन जो चीज़ है ये रिवॉर्ड या प्रॉफिट कहाँ पे उठाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो उसको कैसे प्रेडिक्ट करूँगा, पहले ही देखो।
तो प्रॉफिट उठाने के लिए आपको स्केलिंग करना पड़ेगा, तो पूरा एक क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा। देखो ये जो बियरिश मूवमेंट मिला इसका रिट्रेसमेंट इतना था, तो ये डिस्टेंस यहाँ से अगर मेजर करूंगा तो ऐसा एक लेवल होता है, तो ये अपना प्रॉफिट टेकिंग जोन है। देखो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों ही सेम है, तो यहाँ पे मैंने सेलिंग किया, स्टॉप लॉस ऊपर था, तो ट्रेड लेने से पहले ही हमको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या होना चाहिए वो पता चल जाएगा। देखो रिस्क इतना है और रिवॉर्ड इतना है, तो ऑलमोस्ट 1:2, 2.5 हो रहा है या 3 हो रहा है, तो ऐसे ही आपको ट्रेड लेना है। और पुल बैक और स्केलिंग अगर समझ पाओगे तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। अभी एक मजे की बात देखो, ये जो बुलिश मूवमेंट मिला था एक फर्स्ट पुश था, उसका रिट्रेसमेंट इतना तक था, तो ये सेकेंड पुश मिला, तो देखो ये सेकेंड पुश का अगर 50% आप मार्क करोगे तो ऑलमोस्ट ऐसे लेवल पे 50% हो रहा है। तो देखो ये जो कैंडल है, ये कैंडल क्लोजिंग दिया कहाँ पे, बिलो 50% लेवल पे, तो यहाँ पे आप फिर सेल कर सकते हो, स्टॉप लॉस यही ऊपर रख सकते हो, और आपका प्रॉफिट टारगेट यही होना चाहिए, क्योंकि ये लेवल आपने यहाँ से मेजर किया था, तो ये जो लेवल मिला आपको ये एक डीप पुल बैक जोन है और प्रॉफिट टेकिंग जोन, तो इसके नीचे उस टाइम के लिए ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करो। देखो उसके बाद एक डीप पुल बैक दिया, तो ऐसे तरीके से आपको समझना है और काम करना है। अभी ये मूवमेंट पे फोकस करो, तो यहाँ पे कैसे ट्रेंड रिवर्सल का साइन मिलेगा। देखो ये जो लेटेस्ट जो बुलिश पुश है इतना तक, इसका रिट्रेसमेंट यहाँ तक था, तो ऑलमोस्ट ऐसे लेवल पे होना चाहिए था, तो प्राइस यहाँ पे आया, और उसके बाद ये जो लेटेस्ट जो पुश मिला इसका अगर 50% आप मार्क करोगे तो देखो ये रेड कैंडल नीचे आके क्लोजिंग दिया, तो ऐसा जब इंडिकेशन मिला तब आप बिंदास सेल करोगे और स्टॉप लॉस ऊपर रहेगा, और देखो उसके बाद कितना बड़ा एक मूवमेंट मिला आपको। तो ये जो ट्रेंड रिवर्सल है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी एक मजे की बात देखो, यहाँ पे अभी फोकस करो, तो यहाँ पे ये बुलिश मूवमेंट का जो रिट्रेसमेंट चल रहा था, तो ये रिट्रेसमेंट कहाँ पे आके खत्म हो रहा है और ट्रेंड रिवर्सल का साइन मिलेगा, थोड़ा विजुअलाइज करने का प्रयास करो। ये जो मूवमेंट मिला, ये जो पुश मिला, इसका रिट्रेसमेंट इतना तक था, तो इतना डिस्टेंस यहाँ से हमको मेजर करना था, तो ऑलमोस्ट ऐसे लेवल पर होना चाहिए था, लेकिन प्राइस इतना तक आया, तो ये जो लेटेस्ट जो पुश मिला इसका अगर 50% आप मार्क करोगे तो ऐसा एक लेवल हो रहा है। तो देखो एक ग्रीन कैंडल ऊपर आके क्लोजिंग दिया, तब क्या समझना है, प्राइस इसके नीचे आने का चांस बहुत कम है, तो आप बिंदास बाइंग साइड में जाओगे, क्योंकि पीछे एक बुलिश मूवमेंट का सपोर्ट है, और स्टॉप लॉस नीचे रखोगे, उसके बाद देखो एक मूवमेंट मिला। अभी ये पोजीशन पे ट्रेंड रिवर्सल का साइन कहाँ पे मिलेगा, वही सेम लॉजिक है। देखो देखो ये जो बुलिश पुश मिला था इसका रिट्रेसमेंट इतना तक था, तो ये आपको सेकेंड पुश मिला, अभी सेकेंड पुश का रिट्रेसमेंट इतना तक था, उसके बाद ये आपको थर्ड पुश मिला, तो ये जो थर्ड पुश है, ये थर्ड पुश का अगर 50% आप मार्क करोगे, देखो ये बड़ा रेड कैंडल नीचे आके यहाँ पे क्लोजिंग दिया, तो जब ऐसा सीनरियो हुआ आपको जिधर मिले आप वहाँ पे सेल करोगे और स्टॉप लॉस ऊपर रहेगा, उसके बाद देखो बड़ा मूवमेंट मिला आपको। तो ऐसे तरीके से अगर ट्रेंड रिवर्सल समझना है तो पुल बैक समझते जाना और स्केलिंग करते जाना, बस यही एक रास्ता है जो आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बना देगा। ओके, तो इसके ऊपर काम करना सीखो, ये मूवमेंट को तोड़ना सीखो। अभी देखो ये जो बियरिश पुश मिला था, एक बड़ा एक पुश मिला था, इसको माइक्रो पुश में कैसे डिवाइड करना है, कैसे कॉन्सिक्वेंस ढूंढना है। देखो ये जो टोटल जो बियरिश मूवमेंट था, माइक्रो पुश था, इतना डिस्टेंस, इसका रिट्रेसमेंट इतना था, तो इतना डिस्टेंस देखो ऑलमोस्ट सेम हो रहा है यही डिस्टेंस, तो ऐसे तरीके से अगर डिवाइड करना सीखोगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। मैं ये पोजीशन पे कैसे मैं डिवाइड किया, ये पोजीशन पे कैसे डिवाइड किया, ये पोजीशन पे कैसे डिवाइड किया, ये सब आपको पूरा समझ में आ जाएगा अगर इसके ऊपर अगर थोड़ा सा अगर काम करोगे तो। ध्यान से अगर प्राइस एक्शन को देखोगे, कोई लैगिंग इंडिकेटर इस्तेमाल करने का भी जरूरत नहीं है, और कोई भी कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी पढ़ने का भी जरूरत नहीं है, समझने का जरूरत नहीं है, सिर्फ कैंडलस्टिक फॉर्मेशन और क्लोजिंग प्राइस कहाँ पे दे रहा है। अगर ऐसा 50% लेवल के नीचे अगर ऐसा क्लोजिंग देता है तो आप बिंदास समझ पाओगे, या तो साइडवेज जोन फॉर्मेशन कर रहा है, नहीं तो ट्रेंड रिवर्सल का साइन मिलेगा, बस सिंपल, वेरी सिंपल।
तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो लेटेस्ट पुश मिला था इसका 50% आपने मार्क किए थे और ये ग्रीन कैंडल ऊपर आके क्लोजिंग दिया था। तो यही जो लेटेस्ट जो पुश है ये साइडोजोन फॉर्मेशन करने का चांस था और ट्रेंड रिवर्सल का साइन मिला था आपको। तो देखो ये जो साइडोजोन में कुछ टाइम प्राइस मूवमेंट कर रहा था, उसके बाद देखो अच्छा वॉल्यूम के साथ वो बाहर निकला और यहाँ पे टेस्ट कर रहा है। तो आप ये थ्योरी भी अप्लाई करके आप बहुत पैसा कमा सकते हो। यहाँ पे बाइंग करोगे तो आपको ऐसे ही प्रॉफिट मिलेगा। तो दोनों तरीके से जो साइडवे जोन से बाहर आ रहा है आके क्लोजिंग दे रहा है और वो साइडवे जोन को जब टेस्ट कर रहा है तब आप बिंदास ट्रेड ले सकते हो। और ये सब मेथड के ऊपर मैंने ये चैनल पे बहुत अच्छे से छोटा छोटा वीडियो में रिप्रेजेंट किया, वो एक बार देखो। तो ऐसे ही सब से आप काम करना सीखो तो कॉमन ट्रेडर से सक्सेसफुल कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम है। बुकिश नॉलेज अगर अप्लाई करते बैठोगे तो बहुत दिक्कत है, ये मैंने खुद रिसर्च किया और यही ऑब्जर्वेशन मिला। आप अगर कोई भी इंडिकेटर का इस्तेमाल करोगे तो ये रेड कैंडल पे आपको सेलिंग सिग्नल मिलेगा, यहाँ पे ये रेड कैंडल पे सेलिंग सिग्नल मिलेगा, ऐसे जगह पे सेलिंग सिग्नल मिलेगा। और आप उसके पहले ही आप समझ पा रहे हो ट्रेंड रिवर्सल का जो साइन मिल रहा है, ये सब कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हो रहा है, तो आप बहुत अच्छा से आप ट्रेड ले पाओगे। तो रिस्क कम रखना पड़ेगा और रिवार्ड ज़्यादा मिलेगा। ओके, तो ये चैनल पे हिंदी और बंगाली में प्लेलिस्ट है अलग अलग, तो वहाँ पे जाके देखो, कुछ तो थोड़ा काम करो। तो एक महीना अगर ये चैनल पे ऐसा बहुत सारा चार्ट पे मैंने समझाया वो अगर देखोगे सीखोगे तो बहुत कुछ कर पाओगे, बहुत आगे बढ़ पाओगे। ओके, चलो हरे कृष्णा।